हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस स्टडी हब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर सेकेंड है, एसिड बेस एंड साल्ट। इसका आज हम लोग जो है खाने का सोडा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से डीपली से पढ़ेंगे इसको हम लोग और आपका बेसिक तैयारी करवा के पढ़ेंगे। तो दोस्तों, खाने का जो सोडा है, खाने का सोडा का जो अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इसको बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। क्लियर दोस्तों? खाने का सोडे का नाम जो अंग्रेजी में है उसको कहते हैं बेकिंग सोडा, और इसका जो सूत्र होता है NaHCO3। जब इसका फार्मूला हो गया NaHCO3, तो इसका कोई ना कोई रासायनिक भी नाम होगा। तो बिल्कुल रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम होता है, ये जो हमारा जो NaHCO3 है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम होगा आपका यानी मतलब सोडियम। इसके बाद एच मतलब बाई और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो क्या नाम हो गया इसका? सोडियम बाई कार्बोनेट, या हम लोग कह सकते हैं यानी मतलब सोडियम। और एच मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोस्तों, इसका जो रासायनिक नाम हो गया, रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसी भी तत्व के बीच में अगर एच जुड़ता है तो उसको बाई नाम देते हैं हम लोग। क्या नाम देते हैं? बाई। अगर बाई क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग हाइड्रोजन नाम दे दीजिए। तो इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब खाने का सोडा मतलब इसको हम लोग एक प्रयोग तो जान चुके हैं कि किसको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। तो भाई, कौन सी चीज में हम लोग प्रयोग करते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको खाने में इसका प्रयोग कर लेते हैं? तो दोस्तों, बहुत सारी वस्तु है जिसको हम लोग खाने में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई ब्रेड पकौड़ा वगैरह, जैसे वर्षा का मौसम आ गया, मौसम बहुत सुहावना है, उस समय हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भुजिया पकौड़ा वगैरह खा लेते हैं। स्वादिष्ट लगता है, हम लोग स्वादिष्ट क्यों लगता है? वो स्वादिष्ट बनाता कौन है? खाने का सोडा NaHCO3, ये बनाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो ब्रेड इतनी पतली सी होती है, और जब वो पकौड़ा बन के आता है तो उतनी फूली हुई होती है। यानी फुलाने का काम भी कौन करता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी वस्तु को, कोई भी खाद्य पदार्थ हो उसको फुलाने का काम करता है कौन? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके बाद दोस्तों, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी वस्तु खा लेते हैं और शरीर में थोड़ा खाने के बाद हम लोग कहते हैं कि पेट भर गया। भाई, थोड़ा खाने के बाद हम लोगों का पेट क्यों भर गया? जैसे बगैर हमने पकौड़ा खा लिया, 4-5 पकौड़ा खाने के बाद थोड़ा सा पानी क्या पी लिया और कहते नहीं भाई अब नहीं खाएंगे कुछ, पेट हमारा भर गया। पेट क्यों भर गया? पेट भरा नहीं, पेट में गैस की मात्रा बढ़ गई, फुला दिया। किसने? इस सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पेट के अंदर ये फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, और हमारा पेट लग रहा है कि भर रहा है, और हम लोग कहते हैं पेट भर गया, जिससे कि हमारे शरीर में हानि भी होती है। भाई, क्यों हानि होती है? भाई, जितनी ऊर्जा की मात्रा हमें चाहिए उतनी ऊर्जा तो मिल नहीं रही, जितनी ऊर्जा हमें चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। क्यों? हमें भोजन करना था, हमें 4 रोटी खाना था, अब 4 रोटी हमने, 2 ब्रेड खाने के बाद 1 रोटी भी हम लोग नहीं खा पा रहे। इसका मतलब हमें उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है जितनी ऊर्जा मिलनी थी। क्वेश्चन क्या आता है कि क्या खाने का सोडा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है? तो बिल्कुल हमारे शरीर के लिए ये हानिकारक है। लाभदायक है थोड़ी मात्रा में। जैसे कभी कभी हम लोग क्या होता है कि हमारा हम लोगों को पेट में अम्लता बढ़ जाता है, तो हम लोग मेडिकल वगैरह में जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कोई ना कोई मेडिसिन देते हैं हम लोगों को। मेडिसिन देते ही उस मेडिसिन को हम लोग ले लेते हैं और हमारे पेट की जो अम्लता है वो दूर जाती है। मतलब उस मेडिसिन में क्या था? उस मेडिसिन में कार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये था कुछ मात्रा में, जिसके कारण हमारे पेट की अम्लता दूर हो गई। दोस्तों, और एक चीज बता दें, कभी कभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेट में दर्द होता उनका, और
कुछ डकारे वगैरह खट्टी खट्टी डकारे आती है, तो लोग समझते हैं कि हमारे पेट की अम्लता बढ़ गई है। और लोग क्या करते हैं, दुकान पर जाते हैं और खाने का सोडा खरीद लेते हैं और उसको खा लेते हैं, जिससे पेट की दर्द में तो आराम मिलता है, लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए हानिकारक है। क्यों? इसका अधिक सेवन से हमारे पेट में अल्सर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अल्सर क्या है? ये आमाशय में घाव उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए इसका अधिक सेवन भी हमारे लिए हानिकारक है। ये तो दोस्तों उपयोग हो गया। दोस्तों इसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते कैसे हैं? प्रयोगशाला में जब खाने का सोडा है, खाने का सोडा बनाते कैसे है? प्रयोगशाला में जब बनाते हैं तो इससे पहले हमने आपको NaCl के बारे में पढ़ाया था। NaCl क्या होता है? नमक होता है। उस NaCl जब हम लोग बनाते हैं प्रयोगशाला में, तब उस जिस पात्र में हम लोग बनाते हैं उस पात्र में सबसे पहले NaCl डालते हैं। इसके बाद उसमें हम लोग अमोनिया गैस भी प्रवाहित करते हैं। पहले NaCl डालते हैं, फिर अमोनिया गैस भी प्रवाहित करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें प्रवाहित करते हैं। फिर उसमें जो मिक्सचर हो जाता है, उसमें जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण के दौरान हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट बन के तैयार हो जाता है। इसको रिएक्शन समझाते हैं जो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले हमने क्या लिया? NaCl। उसमें हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया? अमोनिया गैस। इसके बाद कौन से गैस प्रोवाइड किया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन आ रहा है कि आपका ये H2O4 क्या है? ये वाटर है, ये दोनों जली विलयन है। NaCl का जली विलयन प्रोवाइड करते हैं, तब तो हमारा क्या बन के आता है? सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3 ये बन जाता है। हमारे पास देखिए NaNaH, इसका हमने क्या कर लिया? NaH। इसके साथ एक एक्स्ट्रा हमारे पास, इस पे कितना होता है ध्यान दीजिए, जो वाटर है इस वाटर में HOH यानी इस वाटर को लिख सकते हैं HOH2O, और एक Na ने इसके साथ क्रिया किया तो क्या हो गया? NaH। आपको पता है कि हमेशा जब CO3 का अपघटन होता है तो CO2 में बदलता है, जब CO2 का हम लोग संयोजन कर देते हैं तो CO3 बन जाता है। तो इस CO ने, इस CO2 है और इसके एक O के साथ क्रिया किया, इसने इसके एक O को इसने लिया, तो क्या बचा? NaH। एक H गया इसके साथ, एक ओ गया इसके साथ, तो क्या हो गया? NaHCO3। अब बचा क्या? H और O तो चला गया, HO चला गया। फिर से टॉपिक समझिए, Na ने एक H ले लिया तो Na एक H ले लिया, CO ने एक O लिया तो CO का एक O चला गया, बचा केवल सिंगल H, तो NH3 है और ये H कितना हो गया? NH4। और ये क्या बचा था? Cl। तो क्या बचा हमारे पास रिएक्शन के दौरान? Cl, मतलब कौन सा Cl? NH4Cl। ये तो हो गया हमारा बेकिंग सोडा, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया? बेकिंग सोडा। और ये जो है हमारा क्या है? नौसादर। इसे तो कहेंगे हम लोग बेकिंग सोडा, ये होगा बेकिंग सोडा। और ये है अमोनियम क्लोराइड, क्या है हमारे पास? ये प्रथुआ, अमोनियम क्लोराइड, या प्रथुआ में अमोनियम क्लोराइड। ये क्या था? सोडियम क्लोराइड, ये अमोनिया, ये इसका जलीय विलयन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोगों ने प्रयोगशाला में उसको प्रिपरेशन कैसे किया? हमने इसका प्रिपरेशन किया है कि जब प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को उसमें अमोनिया गैस, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके हम लोग बेकिंग सोडा तैयार करते हैं। दोस्तों इसका एक सिंपल तरीका भी है, सिंपल तरीके से बना सकते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे कि खाने का सोडा को हम लोगों ने किससे बनाया? NaCl बनाया, या तो कुछ इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग, किससे? सोडियम। दोस्तों अगर सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में अगर CO2 प्रोवाइड कर देते हैं तो डायरेक्टली हमारा क्या बन जाता है? NaHCO3। दोस्तों एक तरीका यह है, एक तरीका यह है। अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट में अगर CO2 गैस प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। दोस्तों ये तो हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है हमारा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया ये। और दोस्तों
ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो गया ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर दोस्तों। तो हम लोग प्रयोगशाला में दो तरीके से बना सकते हैं इसको, एक तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट से और एक सोडियम क्लोराइड से, इसलिए उसको बैलेंस ही करना पड़ेगा आपके पास, यानी कितने बार है, दो बार। तो सिंपल है कि दो का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, जैसे ही दो का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे एन ए दो बार, एन ए दो बार, क्लियर गिनती। सी ओ थ्री एक बार, यानी सी ओ की गिनती कीजिए, सी एक बार, सी एक बार, दो बार हो गया, सी दो बार, गिनती क्लियर। ओ तीन बार और एक चार बार, दो छह बार, तीन दूनी छह बार, ओ कितने बार हो गया, छह, एच दो बार, एच दो बार, गिनती दोस्तों पूरा हो गया। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं इसका हम लोग हिंदी में लिख देते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमने इसके अनुसार और इसके अनुसार दोनों डेफिनेशन लिख के रख दिया हमने। इसके अनुसार डेफिनेशन क्या है, प्रयोगशाला में NaCl का ठंडा जलीय विलयन, NaCl का ठंडा जलीय विलयन में NH3, NH3 तथा CO2, CO2 गैस प्रवाहित करके NaHCO3 प्राप्त किया जाता है। दोस्तों NaCl का ठंडा जलीय विलयन को कभी कभी हम लोग केमिस्ट्री में कभी कभी का अक्सर इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ब्राइन के नाम से, कि ब्राइन का मतलब क्या होगा, तो ब्राइन का मतलब ही होता है दोस्तों NaCl का ठंडा जलीय विलयन। इसके बाद इसके अनुसार हमने डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन लिखा कि प्रयोगशाला में Na2CO3, Na2CO3 संतृप्त विलयन में, ये संतृप्त विलयन है Na2CO3 का, CO2 गैस प्रवाहित करके, CO2 गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, NaHCO3 बनाया जाता है, क्लियर दोस्तों। अब आता है इसका प्रॉपर्टीज, इसका गुण क्या है दोस्तों, इसका गुण है आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने क्या देखा होगा कि इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, तो ये भी इसका एक गुण है, इसका गुण है ये सफेद होता है। इसका दूसरा गुण होता है कि ये जल में विलेय है कि अविलेय है, मतलब जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, तो जल में हम लोग कहेंगे ये अल्प विलेय है, अल्प मतलब कम कम घुलता है, जब इसको जल में घोला होगा आपने देखा होगा कि जल के ऊपरी लेयर में ये दिखाई देता है, देखा होगा कि जल में जैसे डालो तो व्हाइट कलर के दिखाई देगा, मतलब पूर्णतः नहीं घुला, ये चीनी को जल में डालो आप लोग तो कुछ समय बाद चीनी गायब हो जाएगा, मतलब चीनी जल में विलेय है इसलिए घुल गया, तो हम लोग कहेंगे जो खाने का सोडा है जल में अल्प विलेय है, जल में कैसा है, अल्प विलेय, कम घुलता है। इसके बाद ये सोडा क्या है, अम्ली है कि क्षारीय है, अभी हमने क्या कहा था पेट की अम्लता दूर करता है, मतलब ये निश्चय ही क्या है, क्षारीय है दोस्तों। और एक चीज आपको बता दें कि क्षारीय पदार्थ को दूर करने के लिए अम्ल मिलाएंगे, अम्ली को दूर करने के लिए क्षार मिलाएंगे, तो मतलब ये कैसा है, क्षारीय है। तो इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, जलीय विलयन कैसा होता है, इसका क्षारीय होता है, तो ये क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, और इसके बाद इसको हम लोग लिख भी देते हैं और इससे कुछ क्रिया करवा के दिखाते हैं कि ये अम्ल के साथ क्रिया करके इसका क्या होने वाला है, जैसे HCl वगैरह के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, देखिए इसको हम लोग लिख के आपको बता देते हैं। तो देखिए मैंने इसका दो गुण लिख दिया, यह सफेद क्रिस्टलीन पदार्थ है जो जल में अविलेय है, दूसरा यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसके बाद इसका हम अम्ल के साथ क्रिया देखते हैं क्या होगा, किसका अगर अम्ल के साथ हम लोग क्रिया करेंगे तो क्या होगा, किसका क्रिया, हम लोग ये जो खाने का सोडा है इसका क्रिया करेंगे अम्ल के साथ, तो लिखते हैं अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया, किसकी क्रिया, खाने का सोडा। अब जैसे हमने खाने का सोडा ले लिया NaHCO3, NaHCO3 प्लस अम्ल ले लिया, अम्ल कोई अम्ल ले लीजिए आप लोग, जैसे हमने ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl, तो इसका रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, तो Na यानी होता है पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव होता है, और एक ध्यान दीजिए कि जब इसका अम्ल क्रिया करेंगे तो अम्ल होता है गर्म, अम्ल होता है गर्म, यानी जब अम्ल क्रिया करेंगे तो इसका अपघटन क्रिया भी होगा, अपघटन मतलब टूटेगा, और आपको हमने बताया था कि अगर CO2 है तो संयोजन से वो क्या बनता है, CO3, अगर इसका अपघटन करेंगे, गर्म करेंगे तो CO3 बनता है CO2, तो हमारा ये तो सिंपल है
कि जो हमारा CO3 है, ये CO3 ये किसमें चेंज होगा, CO2 में, किसमें चेंज होगा, CO2। अब यान ए ये होता है पॉजिटिव और होता है नेगेटिव, तो ये सिंपल है कि ये इसके साथ ही क्रिया करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यान ए बनेगा Cl, तो बन जाएगा NaCl प्लस। अब बचा क्या, यान ए और Cl तो हट गया, CO2 हट गया, यानी एक O। देखिए फिर से एक बार यहाँ पे कि यान ए ये भी हट गया, CO2 हट गया, यानी इसमें 3 है, यानी एक O बचा और एक H बचा, एक O बचा और एक H बचा, और इसका एक H, तो क्या बन गया ये H2O, तो क्या बनेगा हमारा CO2 के बाद H2O बनेगा। तो जब हमने देखा कि अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं, तो अम्ल के साथ क्रिया करने से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसकी निकलती है। अगर इसकी क्रिया, इसको अगर हम लोग अम्ल के साथ क्रिया करने पर, तो हमने देख लिया कि अम्ल के साथ क्रिया करने पर NaCl देगा, अगर इसका हम लोग अपघटन क्रिया करवाते हैं, इसको अगर गर्म कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपघटन क्रिया, क्या कर रहे हैं हम लोग, अपघटन क्रिया, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, अगर इसको ताप देते हैं तो क्या होगा, ताप मतलब गर्म करेंगे, तो जैसे NaHCO3 इसको हम लोग हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो दोस्तों गर्म करने पर वो अपने अणु में टूट जाते हैं, जो भी तत्व होगा, यौगिक होगा, वो जिससे बना है वो अपने अणुओं में टूटेगा। तो सबसे पहले तो ये टूटेगा किसमें, Na2CO3 में, क्योंकि ये इसी से बना हुआ है, देखिए यहाँ पे Na2CO3 में किसका, उसका संतृप्त विलयन Na+ H2O और रिएक्शन CO2। तो जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो Na2CO3 में टूट जाता है। क्लियर दोस्तों, अब आता है इसका हम लोग उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, तो उपयोग दोस्तों हम लोग लिख देते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाते हैं। अब देखिए इसके उपयोग क्या है, उपयोग में नंबर एक हमने क्या लिखा, पेट की अम्लता दूर करने की औषधि में, पेट की अम्लता, कभी कभी हमारे पेट की अम्लता बढ़ जाती है, जिससे खट्टी खट्टी डकारें आ जाती है, भोजन ज्यादा कर लेते हैं हम लोग, इससे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है और भोजन धीरे धीरे अम्लीय बनने लगता है, और इसको दूर करने में हम लोग खाने का सोडा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद शीतल पेय, सोडा वाटर बनाने में, शीतल पेय तो आप लोग जानते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग पीते हैं गर्मियों में, गर्मियों में देखा होगा थम्स अप, फिर हमारा बहुत से कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ जाता है, ड्यू वगैरह जो भी है, ये सब हम लोग पीते हैं, उसमें क्या मिला होता है, शीतल पेय कहते हैं उसमें, उसमें क्या मिला होता है, NaHCO3। इसके बाद सोडा वाटर बनाने में, सोडा वाटर जैसे शिकंजी वगैरह हमारा, जैसे आप लोगों ने देखा है कि एक दुकानदार क्या करता है कि उसको एक पेप्सी की बोतल एक मशीन के अंदर डालता है, कुछ समय के बाद वो निकाल के ले आता है, और उसमें से आपको एक कहते हैं लो आप पेप्सी पियो, हम लोग पीते हैं, वो हमारा सोडा वाटर होता है इस प्रकार से। और बहुत बहुत सारे सोडा वाटर जो होते हैं जो ठंडा पेय पदार्थ होता है उसको बनाने में, और इसका अध्ययन दोस्तों हम लोग जो क्लास 12th केमिस्ट्री है, क्लास 12th केमिस्ट्री में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, जब आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे तब। इसके बाद अग्निशामक सोडा यंत्रों के बनाने में, अग्निशामक देखा होगा कि आग बुझाने वाले जो पेट्रोल पंप वगैरह बड़े बड़े कॉलेजों में, जैसे हमारे से स्कूल होती है, स्कूलों में देखा होगा अग्निशामक यंत्र लाल लाल कलर के, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखा रहा है, आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो आप लोग, ये भी बनाने, यानी अग्निशामक आपको बुझाने वाले जो यंत्र होती है उस यंत्रों में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर बेकिंग पाउडर बनाने में, आप कहोगे सर बेकिंग पाउडर, अभी तो हम लोग बेकिंग पाउडर पढ़ रहे हैं, नहीं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में बहुत अंतर है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर का प्रयोग किसी भी चीज को फुलाने में हम लोग पाउडर का प्रयोग करते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि बर्थडे वगैरह जो होती है जिसमें लोग केक लाते हैं, देखो केक कितना फूला हुआ होता है, इस केक वगैरह को फुलाने में, जैसे ब्रेड को फुलाने में कौन करता है, बेकिंग पाउडर। कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन टाइप में आते हैं कि केक फुलाने में प्रयोग होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया होता है कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, ऐसे वगैरह चार ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से बहुत सारा बच्चा क्या करते हैं कि बच्चे उसमें से बेकिंग सोडा टिक करके आते हैं और क्वेश्चन का आंसर होता है गलत। हम लोगों का आंसर क्या देना है, हम लोगों का आंसर देना है बेकिंग पाउडर। किसी भी चीज को फुलाने में कौन काम कर, किसी भी वस्तु को, कोई वस्तु को फुलाने में काम कौन करता है, बेकिंग पाउडर। क्लियर दोस्तों। अब दूध को खट्टा होने से बचाने में, पता है कि ये तो हमारा अम्ल है, जो दूध को खट्टा होने में बनाते हैं, दूध जब खट्टा हो रहा है तो दूध क्या है, अम्ल है,
तो हम लोग क्या छार मिलाएंगे, तो बेकिंग सोडा मिला देंगे तो छार क्या करेगा, अम्ल को दूर कर देगा और उसको खट्टा होने से बचा लेगा। तो ये तो था दोस्तों आप लोगों का बेकिंग सोडा के बारे में, इसको हमने पूरा डिस्कस किया आप लोगों के बारे में। तो दोस्तों अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद कॉपी में आप लोग नोट बनाइए जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, बाकी अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए जिससे कि आपके दोस्तों को भी आपके जैसा हेल्प होगा। एंड दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेंगे। एंड दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक में अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई भी टॉपिक आपको बहुत कठिन लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट उसकी तरह से आपको हेल्प जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।